नमस्ते सदा वसले मातृभूमि। आज सारे न्यूज़पेपर्स में, कल सुबह के न्यूज़पेपर्स में ये बात मिलेगी भी कि मोदी जी की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 2017 से लेकर 2022 तक 5 वर्षों में 500 करोड़ रुपया कंसल्टेंसी का दिया। अब ये बात उठी कहाँ से थी? एक्चुअली बजट बनने जा रहा है, हम सब जानते ही हैं कि मोदी सरकार चुनाव में जाएगी, उससे पहले बजट वही पेश करेंगे, इंतरिम बजट पेश करेंगे। तो बजट के एलोकेशन के लिए सरकार ने सभी मिनिस्ट्रियों को, सभी डिपार्टमेंटों को लिखा, मैंने फिनेंस मिनिस्ट्री ने सभी डिपार्टमेंटों को लिखा और उनसे ये कहा कि आप हमें जो कंसल्टेंसी फीसेस हैं, कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्ट का हिसाब दे दीजिए, उन प्रोजेक्ट में कितना पैसा आपको चाहिए और कितना आपने खर्च किया। क्योंकि सरकार जिस समय बजट रखेगी उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या खर्च हुआ ये भी बताएगी और ये भी बताएगी कि पीछे वो कितना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और आगे कितनी ज़रूरत है। ये हम सब जानते हैं कि बजट सेशन से 6 महीने पहले, बल्कि और पहले से ये काम शुरू हो जाता है। अब इस पर जब बात आई तो डिपार्टमेंटों ने 59 मिनिस्ट्रीज़ ने मिलकर जो जवाब दिया, उस जवाब में उन्होंने कहा कि हमने 500 करोड़ रुपया पिछले 5 साल में खर्च किया। मतलब जो इस बार का 100 करोड़ रुपया लगभग बताया होगा कि 100 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ती है और 100 करोड़ रुपया लगभग खर्च किया जाता है साल में, तो उसका एक एवरेज निकाला गया कि पिछले 5 साल में 2023 का बजट तो आया है, उसका तो हिसाब आया नहीं, लेकिन 2017 से लेकर 2022 का जो हिसाब आया उसमें लगभग 500 करोड़ रुपया कंसल्टेंसी फीस दी गई। इस बात पर भी कहा गया कि उसमें ज़्यादातर प्रोजेक्ट 5 बड़ी फर्मों को दिए गए, वो विदेशी फर्में थीं। अब इस बात का लेकर हंगामा शुरू हो गया है और अर्बन नक्सल न्यूज़ एजेंसियाँ, उन्होंने मिलकर एक ही दिन, क्योंकि उनका काम, वो जानते हैं कि इस विषय कब उठाना है। आपको याद होगा मणिपुर का विषय कितने दिन बाद उठाया गया था, आपको याद होगा कि कठुआ कांड जो 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 जम्मू कश्मीर का था वो कितने दिनों बाद एक साथ उठाया गया था। तो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत आज के ज़्यादातर न्यूज़ पोर्टल इस बात को उठाए हुए हैं। और न्यूज़ पोर्टल में कौन है, इंडियन एक्सप्रेस उठाया है, द वायर उठाया है, स्क्रॉल उठाए हैं, इस तरह के जो जो न्यूज़ एजेंसियां हैं उन्होंने सब ने इस बात को उठाया कि मोदी सरकार ने 5 साल में 500 करोड़ खर्च किया। अब इस पर कल सुबह न्यूज़पेपर छपेंगे और मज़े की बात यह है कि अब संभव है कि ये जो 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है उसमें 500 करोड़ रुपये का विषय उठे कि सरकार ने 500 करोड़ रुपये फ्री में दे दिया, बिना किसी काम को करवाए किए दे दिया। मैं एक सरकार के सामने एक समस्या थी और वो समस्या का समाधान सरकार ने निकाला है। सरकार ने क्या किया, क्योंकि भारत में हमने आज़ादी के बाद भी, आज़ादी से पहले तो वैसे ही हम नौकर थे, आज़ादी के बाद भी भारत में नौकर तैयार किए गए, आज़ादी के बाद भी भारत में कर्मचारी तैयार किए गए, चाहे वो आईटी फील्ड क्यों ना हो। हम सब जानते हैं आईटी फील्ड भारत महारथी कहा जाता है, लेकिन कॉपीराइट उसके जो हैं वो मोस्टली यूएस या यूरोप के पास हैं और हम संसार को बेस्ट एम्प्लॉयर सप्लाई करते हैं। आपने देखा होगा कि इज़राइल ने भी 1 लाख लोग किससे मांगे, जब उन्होंने फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ आना जाना बंद किया तो 1 लाख लोग हमसे मांगे। उनको मालूम है कि भारत एक ऐसा देश है जो एम्प्लॉयर सप्लाई करता है, जो एम्प्लॉई सप्लाई करता है, जो कर्मचारी सप्लाई करता है, जो नौकर सप्लाई करता है। हमारे यहाँ के बड़े बड़े लोग यूएस की कंपनियों में जाकर काम करते हैं और फिर यहाँ पर धौंस दिखाते हैं, कहते हैं हम तो वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, मुझे 1 करोड़ मिलता है, कोई कहता है 2 करोड़ मिलता है। सत्य क्या है? सत्य ये है कि ये लाखों करोड़ रुपये का काम करते हैं और सारा का सारा पैसा उनके पास चला जाता है और हम केवल कर्मचारी रहते हैं, असेंबलिंग करने वाले लोग होते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो कांग्रेस सरकार जब बैठी थी या पिछली सरकारें थीं, उनके पास एक काम था कि भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हुआ करते थे, पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट ही बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हुआ करते थे वो विदेशी कंपनियों को यहाँ कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था, क्योंकि हमारे पास ना तो वो स्किल थी और ना ही हमारे पास इतनी बड़ी फर्में थी, ना ही इतनी बड़ी कंपनियाँ थी जो कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम कर सके। ऐसी परिस्थिति में विदेशियों को लाना भारत के पास एक ऑप्शन होता था, उसको इन्वेस्टमेंट के नाम से आप ना कर लीजिए, उसको भारतीय कंपनियों, विदेशी कंपनियों को भारत में काम करवाना चाहिए। मोदी सरकार जब बैठी तो मोदी जी की खास बात यह थी कि उन्होंने भारतीय कंपनियों को बढ़ाने का निश्चय किया। अब उसी रो में अडानी अंबानी के नाम भी सामने आते हैं कि साहब इनको फेवर कर रहे हैं।
ऐसी बहुत सारे यूनिकॉर्न भारत में बनाने शुरू किए, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या भारत में कंपनियों को बड़ापन करना शुरू किया। लेकिन भारत में कंपनियों को, हम भारतीय कंपनियों को भारत में इन्वेस्टमेंट तो, इन्वेस्टमेंट के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर तो करवाएंगे, ये तो हमने तय किया, लेकिन हमारे पास वो एक्सपर्टनेस नहीं है, क्योंकि हमने इम्प्लॉय तैयार किए थे, हमने एक्सपर्ट तैयार नहीं किए थे, और अगर एक्सपर्ट तैयार किए भी थे तो उनकी मानसिकता कंपनी चलाने की नहीं है, उनकी मानसिकता नौकरी करने की है। तो फिर इन प्रोजेक्टों को अपने हाथ में कौन लेगा और कैसे बिना एक्सपीरियंस के उनको दे कैसे दिया जाए। ये बात यहाँ पर जो आ रही है वो ये आ रही कि 59 मिनिस्ट्रीज़ ने 500 करोड़, अब 59 मिनिस्ट्रीज़ को 500 करोड़ में अगर डिवाइड करोगे तो 9 करोड़ लगभग एक मिनिस्ट्री के आता है साल भर में। 9 करोड़ का मतलब हो गया एक मिनिस्ट्री में लगभग 60 से 70 लाख रुपया साल में, वो साल में सॉरी कह रहा हूँ कि 60 से 70 लाख रुपया 5 साल में कंसल्टेंसी में खर्च किया। सरकार ने क्या तरीका निकाला, सरकार ने कहा कि जो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और ये भी आप जान लीजिए कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के लगभग 7 लाख, इस बार का जो 2023 का बजट एलोकेशन है वो 7.5 लाख करोड़ रुपये का है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और आगे सरकार ने घोषणा करी है कि वो 110 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने वाला है। भारत को विकसित देश बनाना है 2047 तक, तो सरकार ने तय किया है कि 110 लाख करोड़ रुपए का हमने एस्टीमेट लगाया है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का वर्ल्ड क्लास बनेगा। एक बात और है, अगर भारत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार करेगा तो भारत में हम सदैव के लिए एम्प्लॉय ही बने रहेंगे, हमारा एम्प्लॉयर या हमारी कंपनियाँ या हमारे यहाँ लोग मालिक कम पैदा होते हैं, नौकर ज़्यादा पैदा होते हैं। इसीलिए भारत में आप सोच लीजिए कि 15 से 20 लाख सरकारी नौकरियाँ होती हैं टोटल, उनके रिजर्वेशन को लेकर बिहार खेल रहा है, उनका रिजर्वेशन को लेकर विपक्ष खेल रहा है, और अब आवाहन 65% रिजर्वेशन का किया जा रहा है। 65% रिजर्वेशन भी अगर कर दोगे, 50% से उठाकर 65% कर दोगे, तो भी हम देश में सिर्फ 1 से 2 लाख लोग को एडजस्ट कर पाएंगे, और वो भी 1 से 2 लाख लोग कब, 30 साल में। आप सोच लीजिए 30 साल में अगर हम 3 लाख लोग भी एडजस्ट कर पाए तो एक साल में कितने लोगों को हम एडजस्ट करेंगे। लेकिन हमारी मानसिकता चूंकि नौकर बनने की रहेगी है, नौकरी करने की रहेगी, इसलिए रिजर्वेशन के नाम से खेलिए, नौकरी के नाम से खेलिए, एम्प्लॉयमेंट के नाम से खेलिए, रोजगार के नाम से खेलिए, ये सब खेल भारत में तय कर दिए गए, और उन खेलों के ट्रैप में हम सब फंसे हुए हैं, आज भी फंसे हुए हैं। हम मालिक बनना ही नहीं चाहते, हमारे पास इतना कैलिबर नहीं। हमारे यहाँ से IIT में जब बच्चा एडमिशन लेता है, मैं कुछ दिन पहले एक IIT में लेक्चर करने गया था, तो वहाँ मैंने लोगों से पूछा तो उनका मोस्टली जो स्टूडेंट्स थे उनका विचार था कि साहब हमें कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, हमारे पास कैंपस आएगा। तो हमने कहा आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपनी कंपनियाँ खोले, बोले साहब हमारी तथा नहीं है, पैसा नहीं है, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए। मतलब अंदर से अंतरात्मा कहती ही नहीं है कि वो कुछ करेंगे। आप सोचो, मैंने सैकड़ों बच्चों से बात करी होगी, उसमें से एक बच्चा ये निकला कि साहब मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा लेकिन जॉब नहीं करूंगा, मेरे पास स्किल है, मैं कॉपीराइट सुन के लेने जा रहा हूं, ले रहा हूं, कुछ उसने बताया। लेकिन IIT के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले लोग हैं उनकी मानसिकता ये है कि वो नौकरी करेंगे, तो फिर हम क्या करें। अब ऐसी परिस्थिति में जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं ताकि हम नौकर के बजाय मालिक भी तैयार कर सकें, और मालिक यहाँ पर लोगों को लगे कि हमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, आप सोचिए कि जब हम 7.5 लाख करोड़ रुपया एक साल में खर्च कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, मेरे ख्याल से ये 7.5 लाख करोड़ में रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर आता है कि नहीं आता मुझे पता नहीं, क्योंकि रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर तो मोस्टली मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट कर रही है, BOT पर, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र पर। बजट एलोकेशन बाकी में आता होगा, जिसमें टैक्स कलेक्शन के बाद हम उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जिससे स्मार्ट सिटी बनाते हैं, इंटरनेट पर खर्च करते हैं, दुनिया भर के हम एरोस्पेस के प्रोजेक्ट पर खर्च करते हैं, नए प्रोजेक्टों पर खर्च करते हैं, हम एजुकेशन पर खर्च करते हैं। कुल मिलाकर ये आता है कि हम अगर 7.5 लाख करोड़ रुपया एक साल में खर्च करते हैं तो 5 साल में 50 करोड़ रुपया लगभग, 5 साल में 50 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ है, और इन 50 लाख करोड़ अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, इन 50 लाख करोड़ में से 500 करोड़ रुपया, 50 लाख करोड़ में से 500 करोड़ रुपया कंसल्टेंसी पर खर्च किया गया है, ऐसा आरोप है।
सरकार ने क्या तरीका निकाला, या तो जैसे मैंने कहा कि हमने चूंकि अपने यहाँ कंपनियाँ तैयार नहीं करी थी, हमने अपने यहाँ लोग तैयार नहीं किए थे, तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता था कि हम चाइना से कंपनियाँ लाकर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा रहे थे, हम अमेरिका और यूरोप से कंपनियाँ यहाँ पर बुलाकर उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा रहे थे, उनसे बिल्डिंगें बनवा रहे थे, उनसे रोडें बनवा रहे थे, उनसे रेल ट्रांसपोर्ट बनवा रहे थे, उनसे एयरपोर्ट बनवा रहे थे और सब कुछ कर रहे थे। हालांकि हमने ट्रेंड बदला है और उस पर अब हम भारतीय कंपनियों को काम दे रहे हैं, लेकिन भारतीय कंपनियों को जब अनुभव नहीं है तो क्या करें, और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना अति आवश्यक है। तो सरकार ने उसका तरीका निकाला, सरकार ने तरीका ये निकाला कि हम कंसल्टेंट विदेश से हायर करेंगे, जो कंपनियां बहुत अच्छा काम संसार में कर रही हैं उन कंपनियों के कंसल्टेंसी कंपनियां रहती हैं, उन कंसल्टेंसी कंपनियों को हम यहाँ हायर करेंगे, जो आफ्टर ऑल जो प्रोजेक्ट रहेगा उस प्रोजेक्ट पर नज़र रखेंगी और कंसल्टेंसी करेंगी कि वो प्रोजेक्ट कैसे तैयार हो, टेक्निकल चीज़ों को वो हमको सहयोग करेंगी। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने वाली जो कंपनियां होंगी वो भारतीय कंपनियां होंगी, भारत की कंपनियां काम करेंगी, कंसल्टेंसी हम विदेशी कंपनियों से लेंगे। अप्रॉक्स 500 प्रोजेक्ट का इन्होंने हवाला दिया है, कहा है कि 500 प्रोजेक्ट भारत में ऐसे चल रहे हैं जिनमें 500 करोड़, अगर हम 5 और 59 मिनिस्ट्रियों का मतलब जैसे मैंने बताया कि 5 वर्ष में एक मिनिस्ट्री ने लगभग 9 करोड़ रुपये कंसल्टेंसी पर दिया, और 500 प्रोजेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो उन 500 प्रोजेक्ट में आप 500 करोड़, तो 1 करोड़ रुपये एक प्रोजेक्ट पर आया, जबकि एक प्रोजेक्ट 5 लाख करोड़ का है, 1000 करोड़ का है, 2000 करोड़ का, उनमें से हमने 1 करोड़ रुपया एक प्रोजेक्ट पर कंसल्टेंसी के लिए दिया कि टेक्निकल सपोर्ट हमारा दे दीजिए, हमारी कंपनियां भारत में काम करेंगी, भारतीय कंपनियों को हम टुकड़ों में देंगे। जैसे एक इलस्ट्रेशन के रूप में मेट्रो प्रोजेक्ट भारत में चल रहे हैं, अब मेट्रो प्रोजेक्ट में हमने एक कंसल्टेंसी कंपनी हायर की, उस एक कंसल्टेंसी कंपनी को हमने 1-3 करोड़ रुपया जो भी दिया हो वो दिया हो, एक शहर में हमने मेट्रो बिछाने का प्लान बनाया, उसमें से 1-2 किलोमीटर के कॉन्ट्रैक्ट दिए, अगर हम उस शहर में 50 किलोमीटर की मेट्रो बनाने जा रहे हैं तो हमने उसमें हो सकता है कि 10 कंपनियां, हो सकता है 15 कंपनियां हायर की, क्योंकि हमारे पास कोई इतनी बड़ी कंपनियां नहीं हैं जो 50 किलोमीटर का प्रोजेक्ट इकट्ठा बना सकें, अगर कॉन्ट्रैक्ट ले भी लेंगे तो वो 10 साल में बनाएंगे। तो हमने ये किया कि भारत में जो इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन 50 किलोमीटर के प्रोजेक्ट में 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर, 4-4, 5-5, 10-10 किलोमीटर का स्पेस दे दिया है, हो सकता है कि 15-15 किलोमीटर का स्पेस दे दिया हो, तो 8-8, 10-10 किलोमीटर हमने भारतीय कंपनियों को दे दिया जो उसको करने में कैपेबल थी। लेकिन उनका ऑफ्टरऑल डिजाइन कौन बनाएगा, उनका ऑफ्टरऑल मैनेजमेंट कौन करेगा, उनके बीच में जो सामंजस्य बिठाने का काम कौन करेगा, तो ऐसा करने के लिए भारत में कंपनियां, चूंकि टेक्निकली हम कमजोर हैं, हमारे पास ऐसी कंपनियां नहीं हैं जो इतना बड़ा काम कर सकें, तो भारत सरकार ने तय किया कि हम भारतीय कंपनियों से काम करवाएंगे, लेकिन कंसल्टेंसी के लिए हम वर्ल्ड क्लास की कंपनियां लाएंगे, तभी हम वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकेंगे। आप भारत मंडपम की बात कर लें, या फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, या फिर एयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, सी पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, नमामि गंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, कुल मिलाकर भारत में बिजली से लेकर ट्रांसपोर्ट तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, जो हम मूलभूत ढांचा बना रहे हैं जिस पर हमारे लोग कुछ काम करेंगे, जिससे हमारे लोग आगे बढ़ें, उनको काम मिले और वो उनको ये ना लगे कि साहब भारत में कुछ है नहीं, हम करें कहाँ, हमें US जाना है हमें, तो उस जो माइंड है उसके ड्रेनेज को रोकने के लिए सरकार ने एक तरीका निकाला और वो तरीका हमने आपको बताया। अब लेकिन 5 साल में 500 करोड़ यानी कि 1 साल में 10 करोड़, आप सोचो, सॉरी 1 साल में 100 करोड़, और 1 साल में 100 करोड़ 59 मिनिस्ट्रियां, तो कितना पड़ा, 2 करोड़, 1.5 करोड़ एक मिनिस्ट्री का महीने भर का खर्चा कितना है, अगर हम 1.25 करोड़ की बात करते हैं तो 10 लाख रुपए। क्या एक मिनिस्ट्री 10 लाख रुपए कंसल्टेंसी पर खर्च करके 50,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का काम करती है, तो उस पर कंसल्टेंसी सर्विसेज देकर हमने भारत के पैसे को भारत में नहीं बचाया, लेकिन साहब अर्बन नक्सल्स को ये मौका मिल गया। चूँकि और मजे की बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ही डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही हिसाब मांग रही है, डिपार्टमेंटों से हिसाब मांग रही है, डिपार्टमेंट हिसाब दे रहे हैं, लेकिन चूँकि वो कॉम्पैक्ट फिगर 5 साल का, हर साल का 100 करोड़ नहीं, 5 साल का, या फिर मैं कहूँ हर महीने का 10 करोड़ नहीं,
हर महीने का 10 करोड़, 8 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ रुपया साल का, या फिर मैं कहूं कि 10 करोड़ रुपया मैक्सिमम महीने का, और 10 करोड़ रुपया मैक्सिमम महीने का वो भी 59 मिनिस्ट्रियां, 500 प्रोजेक्ट और 7.5 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर एक साल में, यानी कि 50 लाख करोड़ रुपए के जब हमने काम करवाए भारतीय कंपनियों से, छोटी भारतीय कंपनियों से, उनको हम बड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, उन वो प्रोजेक्ट वो संभाल सकें, वो कर सकें, उसके लिए हमने विदेशों में जहां कहीं भी वर्ल्ड की कंसल्टेंसी सर्विसेज टॉप क्लास की थी उनको हायर किया है। उस बात की समस्या भारत में है कि आपने 500 करोड़ रुपया, आपने 50 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, 500 करोड़ रुपया आप कंसल्टेंसी पर क्यों खर्च कर रहे हैं? आपको अंदाज़ा है कि 500 करोड़ रुपया, या मैं कहूँ 10 करोड़ रुपया महीने में कंसल्टेंसी पर, 8 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया महीने में सरकार, केंद्र की पूरी सरकार 8 से 10 करोड़ रुपया महीने में कंसल्टेंसी पर खर्च कर रही है, और हम हर महीने 50,000 करोड़ रुपए का काम कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, बल्कि मैं कहूं कि हम 60,000 से 70,000 करोड़ रुपए का काम कर रहे हैं सिर्फ 8 से 10 करोड़ रुपया कंसल्टेंसी खर्च करके। विदेशी कंपनियों का हमने भारत में काम करवाना बंद कर दिया है लगभग, हम उनको कम से कम प्रोजेक्ट दे रहे हैं, हम उनको कम से कम काम दे रहे हैं, कंसल्टेंसी करके भारतीय कंपनियों को काम दे रहे हैं। इस बात का हंगामा पूरे देश में कटा हुआ है, और वो हंगामा कहाँ तक ये लोग लेकर जाएंगे, कितना बड़ा करेंगे पता नहीं, ये तो कल से शुरू होगा आप देखिएगा, क्योंकि आज ही वो रिपोर्ट आई है, और आज ही उन्होंने, आज रिपोर्ट आई से मतलब आज ही सबने इकट्ठा होकर छापना शुरू किया है, इस पर कल परसों से हंगामा होना शुरू होगा। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कह सकें कि ये जो 8 से 10 करोड़ रुपया महीने में सरकार खर्च कर रही है पूरी केंद्र की, इतना पैसा तो केजरीवाल चाय पिलाकर खर्च कर देते हैं, इतना पैसा तो राज्य सरकारें चाय पिलाने में खर्च कर देती हैं, इतना पैसा तो पेट्रोल में खर्च हो जाता है। आप सोचिए जितने पैसे में कंसल्टेंसी ली जा रही है उतना पैसा तो कैसे खर्च हो जाता है, ये भी आप उसका कैलकुलेशन बनाइए, ये भी पूछिए कि 50 लाख करोड़ रुपए का जब काम हुआ हो तो वहाँ 500 करोड़ रुपया, 50 लाख करोड़ रुपए का काम हुआ वहाँ 500 करोड़ रुपया अगर कंसल्टेंसी पर खर्च करके वो पूरे प्रोजेक्ट भारत को और मोस्टली प्रोजेक्ट भारत को देने का प्रयास चल रहा है तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट। ये एक तरीका जो सरकार ने पैसा बचाने का निकाला है उसको निगेटिवली अब ये लोग प्रेजेंट करने जा रहे हैं और इस पर एक हंगामा खड़ा करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन हम सबको दृढ़ता से उस पर जवाब देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।